लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के कर्मचारी द्वारा अपनी मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस द्वारा उनको करेक्ट चौक पर ही रोक दिया गया। इस मौके पर संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष प्रहलाद ठाकुर ने कहा कि हमारी 7 सूत्रीय मांगे, जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति समान वेतन और भत्ते दिए जाने चाहिए, वहीं कर्मचारियों को रिक्त पदों के साक्षेप में नियमित किया जाए और फील्ड में जाने वाले कार्यरत कर्मचारियों को वाहन भत्ते की सुविधा बहाल की जाए। यदि हमारी मांगों पर शीघ्र आदेश जारी नहीं किए गए तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। साथ ही का कहना है कि हमारी मांगों के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किए थे, परंतु राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार अधिकारी हमारे कार्य पर व्यवधान डाल रहे हैं। हर जगह कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। कर्मचारियों की बिल्कुल मांग जायज है कि हमारे पीडब्ल्यूडी कर्मचारी सिंचाई विभाग कर्मचारी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला दिया है और जो विभाग के अधिकारी हैं वो एक तो अधिकारियों का फौज होती जा रही है, लेकिन कर्मचारियों की मांग पर बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है।